जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी सभी को सुखी रखे, सबको प्रसन्न रखे, सब खुश रहे, ऐसी कामना हम माँ भगवती से करते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य के जीवन में प्रार्थना करने के बावजूद भी कष्ट की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी पत्रिका के बारे में रहस्यमय ज्ञान देंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जन्म पत्रिका में क्या क्या चीज देखी जा सकती है। इसके लिए सही समय, सही स्थान और अंश देखना होते हैं। तो आइए पहले हम किसी भी बच्चे या बच्ची का भविष्य आपको बताएं। उसके पहले उस बच्चे के बारे में जिसका भविष्य में बताने जा रहा हूं उसके लिए प्रार्थना करें कि मां भगवती उसको कष्ट कम से कम दे। ऐसे बच्चे जो तारीख और समय में बताऊंगा बड़े निकृष्ट किस्म के बच्चे पैदा होते, भयंकर पापी बच्चे पैदा होते हैं। मेरा काम है आपको सिर्फ ज्ञान देना। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की भी हम पत्रिका बना के दें ताकि पता लग सके कि कब माता की मृत्यु होगी, कब पिताजी की मृत्यु होगी, कब उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी और क्या इन कष्टों को भोगते हुए वो बड़ा आदमी बन जाएगा, आज हम ऐसी ही पत्रिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि उस बच्चे के बारे में ईश्वर से आप भी प्रार्थना करो कि बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम उदंग बिन्कुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बीस दस 2020 को शाम के वक्त में 4:30 पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में
जिस भी बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है उसके बारे में आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, यदि हो सकता है आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके मित्रगण में, आपकी सहेलियों में, हो सकता है किसी के यहां इस तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ हो उस समय पे, तो आप उनको बता सकते हो 100% मैं उसके बारे में उनके परिवार वालों से पूर्ण रूप से चर्चा करूंगा और बच्चे को अच्छे से अच्छा वह बन सके, कम से कम कष्ट आए उसके लिए सभी प्रकार के उपाय उनको मैं बता सकता हूं। तो 20 अक्टूबर 2020 की शाम को 4:30 पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में, जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके बारे में हम भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो आज की तारीख में उस बच्चे की उम्र 1 वर्ष 6 माह और 25 दिन हो रही है। वृश्चिक राशि उसकी आती है और राशि का स्वामी मंगल है, तो ऐसे बच्चे को ता जिंदगी हनुमान जी की सेवा करना ही करना है, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है। बुध की महादशा में पैदा हुए हैं ये बच्चा। उस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, यानी कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण का स्वामी जो है बुध है। तो ऐसे बालक को श्री गणेश जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गणेश अथर शीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाना चाहिए, और यह कार्यक्रम ता जिंदगी उसके मन मस्तिष्क में बचपन से ही डाल दें तो बहुत सारे कष्ट कम हो जाएंगे। मंगलवार का दिन उस दिन था, शोभन योग में पैदा हुए हैं। बव करण नाम का था, तांबे का पाया है, गण राक्षस है, नारी आदि है। अब मंगलवार के दिन पैदा होने की वजह से भी वार के अनुसार भी हनुमान जी की पूजन अर्चन सेवा उस मन बच्चे को करना ही करना है ता जिंदगी, यानी हनुमान चालीसा का पाठ हो रोजाना करे, हनुमान बजरंग बाण का पाठ हो करे, हनुमान बाहुक का पाठ करे, जिससे ऊपरी बाधा तंत्र बाधा से बचाव हो सकता है। मीन लग्न उस दिन आता है और मीन लग्न का स्वामी गुरु है, तो पुखराज रत्न या हल्दी हमेशा 24 घंटे साथ में होना चाहिए, पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करना प्रारंभ कर दे, चाहे वह राम की करें, चाहे वह नरसिंह देवता की करें, चाहे वह विष्णु की करें, चाहे वह नारायण की पूजा करें, परंतु पूजा अवश्य करना ही करना है। पीपल के वृक्ष अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा पीपल के वृक्ष ये बच्चा लगाएगा उतना यह सुखी रहेगा, अन्यथा उसको कष्ट की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये मंत्र यदि उसको बचपन से ही, क्योंकि अभी उम्र 1 वर्ष 6 माह 25 दिन हुए हैं, मिट्टी पूर्ण तरीके से कच्ची है, जैसा चाहे वैसा उस बच्चे को ढाला जा सकता है, तो अभी से यदि उसको ये याद कराना प्रारंभ कर दे तो शायद हो सकता है उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है, यदि उसको आपने स्ट्रांग कर लिया तो अपनी जिंदगी के 50% कष्ट तो आप खुद स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से कम कर सकते हो, कोई भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 20/10/2020 की शाम को 4:30 पर जिसका जन्म हुआ हो उसके बारे में यह भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे बालक जो है मांगलिक बालक कहलाते हैं, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है मीन राशि का, और लग्न में मंगल मीन राशि का बैठ जाता है तो मंगल चूंकि लग्न में बैठा हुआ है तो मंगल दोष की उत्पत्ति होती है, परंतु मंगल दोष जरूर है, उससे केवल विवाह में देरी होगी, बाकी और किसी भी मामले में मंगल का कष्ट नहीं होगा। चंद्र
कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जब केतु के साथ बैठ जाता है तो यह भाग्य के लिए तरसाने का काम करता, तड़फाने का काम करेगा, यानी भाग्य को रुक रुक करके भाग्य उदय करता है। और चंद्रमा ऐसे भी अष्टम यानी कि अष्टमेश का बैठा हुआ है, नीच राशि का बैठा हुआ है। यहां पर सूर्य जो है तुला राशि का नीच का अष्टम भाव में बैठने की वजह से सूर्य गड्ढे में गिर गया है, तो यहां पे सूर्य दोष की उत्पत्ति भी होती है। शुक्र चूंकि सिंह राशि का है और छठे भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पर जो है शुक्र दोष की उत्पत्ति भी होती है। शुक्र खराब हो गया है, केतु बहुत ही खराब है, जीवन को तहस नहस करने का काम करेगा। और ऐसे बालक को जिसका जन्म 20/10/2020 की शाम को 4:30 पर दिल्ली या दिल्ली के आसपास हुआ है, ऐसे बालक को मंगल यानी हनुमान जी की पूजा कर पूरी जिंदगी भर करना है, गणेश जी की पूजा पूरी जिंदगी भर करना है, श्री हरि विष्णु या गुरु जी की पूजा जिंदगी भर करते रहना है, और विष्णु की पूजा ज्यादा करने से ज्यादा फायदा होगा जिससे दुख कम प्राप्त होगा। बुध जो है भयंकर खराब है, मतलब पूरी जिंदगी को एक तरीके से निचोड़ने का काम करेगा। माता का सुख कमजोर करता है बुध, क्योंकि यहां पर बुध जो है सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग अवश्य बना रहा है, परंतु गड्ढे में बैठने की वजह से वह बुधादित्य योग जो है अच्छा नहीं माना गया है। गुरु यहां पे धनु राशि का 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो वह स्वग्रही कहलाता है, क्योंकि गुरु का स्वयं का घर जो राशि वो धनु राशि कहलाती है, स्वग्रही कहलाता है, जीवन दाता ग्रह के रूप में गुरु को माना जाता है, इसलिए इसकी उम्र लंबी करता है, बच्चे की उम्र ज्यादा होगी। और यह कुल दीपक योग, केसरी योग, पद्म सिंहासन योग, हंस योग बना रहा है, यानी गुरु धनु राशि का 10वें भाव में बैठ करके हर प्रकार के सुख सुविधा इस बालक को जिंदगी में प्रदान करने का काम करेगा। यानी गुरु बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, जो इसको वाहन सुख देगा, भवन सुख देगा, विद्या सुख देगा, और समाज में मान सम्मान भी प्रदान करेगा। सभी प्रकार का सुख देने के साथ साथ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु महाराज की कृपा इसके ऊपर बहुत अच्छी है। राहु नीच राशि का माना गया है, क्योंकि यहां पर राहु जो है जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट के अनुसार तृतीय भाव में वृष राशि का बैठा हुआ है। यह बृहस्पति लग्नेश का यहां पे शत्रु बोला जाता है, अतः अशुभ फल देगा, परंतु यह राजयोग कारक है, इसको बच्चे को राहु जो है धनवान बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, हिम्मत वाला भी बना सकता है, और इसके मित्र बहुत मददगार साबित होंगे, और यह राहु इसको भाग्यशाली बनाने में भी मदद करेगा। यानी राहु इसका जीवन स्तर को बहुत अच्छे से ऊंचा उठाने में मदद करने में करेगा। यानी राहु बहुत अच्छा है, राहु की 18 साल की दशा चलती, तो जीवन में इसके जीवन में जब भी राहु आएगा इसको हर तरीके से प्रगति ही होगी, कभी भी नुकसान नहीं होगा। बुध यहां पे अष्टम भाव में तुला राशि का बैठा हुआ है, तो यह विलंब विवाह योग बता रहा है, देरी से विवाह होने की संभावना है, सुख भंग होने की संभावना भी बताता है, सुख में कमी भी करेगा, भौतिक सुख की प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी या न्यूनता अवश्य बनी रहेगी। और बुध यहां पे माता का सुख कमजोर करता है, माता को भयंकर बीमारी हो सकती है, और यदि पूजा पाठ नहीं कराई गई तो इस माता की मृत्यु भी हो सकती है। और 20 फरवरी 2028 तक माता के ऊपर भयंकर कष्ट रहने की संभावना है, माता को बीमारी रहेगी, और बुध की वजह से पिता का सुख भी कमजोर बन रहा है, और बुध भयंकर खराब है, यानी बुध की दशा जो वर्तमान में चल रही है 21 फरवरी 2028 तक, इसमें माता की मृत्यु भी हो सकती है।
यानी कि जब ये बच्चा, ये कह सकते हैं हम कि 2020 में पैदा हुआ, तो 2028 यानी जब ये 7.5 या 8 साल तक का बच्चा रहेगा, तब इसके माँ की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है माँ मर भी जाए, परंतु माँ को बचाया जा सकता है यदि इस बालक के माता पिता के द्वारा अभी उनको ये ज्ञान मिल जाए कि उनकी मृत्यु होने की संभावना है। यानी अभी जो बालक ये पैदा हुआ है 20/10/2020 को शाम को 4:30 बजे पैदा हुआ है, तो ऐसे बालक की वर्तमान में माता की भयंकर बीमारी लगी हुई है, माता भयंकर कष्ट में जी रही है, और 8 साल 7.5-8 साल इसके होते होते माता की मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि कोई बालक ऐसा आपकी नजर में आता हो, कोई परिवार हो जिसके बालक का जन्म 20/10/2020 को शाम को 4:30 बजे के आसपास दिल्ली के आसपास पैदा हुआ हो, हम पूरी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं ताकि माँ की मृत्यु न हो। माँ को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से भी मारा जा सकता है। मंगल जो है वह लगन में बैठा है मीन राशि का, तो मंगल की मित्र राशि में बैठा हुआ है, कुटुंब सुख दे रहा है, धन सुख उत्तम दे रहा है, मांगलिक कुंडली है, विवाह भी मांगलिक से ही करना है ऐसे बालक बालिका को, और देरी से विवाह अवश्य होगा, और देरी से विवाह होगा या फिर लड़की है तो उसका पति बीमार रहेगा, और यदि लड़का है तो उसकी पत्नी बीमार रहेगी, परंतु इस बालक या बालिका की उम्र लंबी होगी यह निश्चित है। यानी जीवन में ऐसे इस बालक को भयंकर कष्ट देखना है, अपनी माँ का मरते हुए भी देखना पड़ेगा और पिता को भी मरते हुए देखना पड़ेगा, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यानी 20/10/2020 की शाम को 4:30 बजे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरिया में जिस बालक का जन्म हुआ हो या बालिका का जन्म हुआ हो, उसके माता पिता मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से उसकी पूजा पाठ के मामले में पूरी मदद करने को तैयार हूँ। यदि कोई भी हो जिसके यहाँ ऐसा बालक पैदा हुआ हो या बालिका पैदा हुए हो, तो हमसे संपर्क कर सकता है। और मंगल जो है उम्र लंबी अवश्य दे रहा है ऐसे बालक बालिका को, और मंगल की सेवा करने से यानी हनुमान जी की सेवा करने से माता का सुख बढ़ सकता है। यानी माता के ऊपर जो ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, नजर दोष है, खिलाई पिलाई है, जादू टोना है, जिससे माँ की मृत्यु होने की संभावना है, उसको बचाया जा सकता है। यानी बालक के पूजन अर्चन करने पर या बालक के नाम से मंगल की पूजन अर्चन करने से माँ को बचाया जा सकता है। यानी उसका अभी, उनके माता पिता अभी से ही अखंड रामायण का पाठ हर पूर्णिमा को कराने लगे या खुद करने लगे तो मंगल प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की पूजन अर्चन करने लगे तो मंगल प्रसन्न होता है। और उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है जहां पर महांकाल महाराज बैठे हुए हैं, वहां पर मंगलनाथ महाराज भी बैठे हुए हैं, उनकी पूजन अर्चन करने से भी माता को सुख मिल सकता है। यानी पूजन अर्चन करने से माँ को बचाया जा सकता है, अन्यथा माँ की मृत्यु होने की संभावना है, बहुत ज्यादा बनती है। अब आते हैं हम शुक्र ग्रह के बारे में। पुनः एक बार और बता देते हैं कि जिस बालक या बालिका का जन्म 20/10/2020 को हुआ है, शाम को 4:30 बजे के आसपास दिल्ली में हुआ है, चाहे बालक हो या बालिका हो, उसका शुक्र जो है वह शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है सिंह राशि का, यह इसकी शत्रु राशि है, तो यह इसके पराक्रम भंग करेगी। मतलब जो मेहनत करने वाले बालक होंगे उनकी मेहनत का फल प्रदान नहीं करेगा, वैवाहिक जीवन में कटुता होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और कई बार जो है पराक्रम भंग योग बनेगा। यानी कई बार मेहनत करेंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, मान भंग होने के अवसर भी है। यानी कि मान भंग का मतलब होता है ख्याति, गुडविल, नाम बदनाम होने का संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है, चारित्रिक दोष लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, और ऐसे बालक के ऊपर जो है सांप जो होते हैं, सर्प और जल से इनको भय रहेगा, सांपों से बचाना पड़ेगा, जल में डूबने की संभावना भी बनती है, परंतु उम्र लंबी है इसलिए जल से बचत होगी, परंतु पानी से डर लगेगा।
ऐसे बालक के या बालिका के दो विवाह के योग बनते हैं जिसका जन्म 20/10/2020 को शाम को 4:30 बजे के आसपास दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जिसका भी जन्म हुआ हो, ये उसका भविष्य हम बता रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शनि ग्रह जो है यह स्वग्रही के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। इसको दूसरों के द्वारा कमाई गई धन संपत्ति मिलेगी, यानी इसका अर्थ यहाँ पे ये आ रहा है कि ऐसा बालक या बालिका के माता और पिता दोनों बिछुड़ने की संभावना है। माता की मृत्यु होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है, पिता की भी मृत्यु होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है, और ये किसी दूसरे या तीसरे घर में पलेगा जहां पर इसको गोद लिया जाएगा और वहां से इसको संपत्ति प्राप्त होगी। मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा यदि कोई बालक बालिका या ऐसा कोई परिवार मिले जिसके यहाँ पे 20/10/2020 को जन्म हुआ हो 4:30 बजे के आसपास, तो प्लीज कृपया उनकी मदद करने की कोशिश करिए। मैं पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हूं। उनके माता पिता को बचाया जा सकता है, अन्यथा माता पिता की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। पूजा पाठ जप तप से संभव हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र कराने से भी परिस्थिति बदली जा सकती है। तो ये कन्फर्म है कि शनि जो है दूसरों के द्वारा कमाई गई धन संपत्ति उसको दिलाएगा, यानी कि इसके माता और पिता दोनों के पास धन संपत्ति नहीं होगी। तीसरी जगह ये बालक पलेगा या बालिका पलेगी जहां से इनको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य और बुध ये तुला राशि के यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है। सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, पिता का सुख कमजोर करता है, पिता की संपत्ति भी इसको नहीं मिलेगी। पिता का सुख कमजोर का मतलब ही यही है कि पिता की मृत्यु होने की संभावना यहाँ पे बनती है। इसकी भाषा कठोर हो सकती है, दाईं आंख में रोग हो सकता है, बाईं आंख अच्छी रहेगी। और ऐसे बालक या बालिका जो है ये पंडित लोगों से विद्वान लोगों से इनकी नहीं पटेगी, यानी पंडित लोगों को ये ढोंगी बोल सकते हैं, ढोंग धतूरा करने वाले बोल सकते हैं। पूजा पाठ में ऐसे बालक बालिका का मन नहीं लगेगा। उम्र जो है इनकी अवश्य लंबी होगी, और ये सूर्य और बुध सुख अवश्य प्रदान करेंगे परंतु माता और पिता का सुख प्रदान नहीं करेंगे, यानी पिता की संपत्ति भी नहीं मिलेगी, यानी अभी वर्तमान में जो पिता होंगे उनके पास धन नहीं होगा, यह निश्चित है। वो कमजोर परिवार से होंगे ये भी निश्चित है, या फिर ऋणी अवस्था में ये बालक पैदा हुआ है। तो 22 फरवरी 2028 से लेकर के 21 फरवरी 2035 तक जो इसकी महादशा आ रही है, इस समय में पिता को भयंकर कष्ट होगा, तो पिता को कष्ट से बचाया जा सकता है। तो केतु और चंद्र यहाँ पे एक साथ भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य साथ नहीं देगा, पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, धार्मिक कार्यक्रम व अनुष्ठान के संचालन में रुकावटें उत्पन्न होगी, जीवन में यश नहीं मिलेगा, कुटुंब से कम पटेगी, जीवन में एक भयंकर मुसीबत में अवश्य फंसेगा ये बालक बालिका, और फिर उस मुसीबत से बाहर भी निकलेगा। यानी कि माता की मृत्यु हो सकती है, आगे जाने पर पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। जब ये अकेला हो जाएगा 7-8 साल का लड़का या लड़की, उस समय उसके बाद में जो है यही इसको भयंकर मुसीबत देगी, फिर कहीं न कहीं पर यह गोद लिया जाएगा, कोई न कोई इसको संभालेगा और वहां से इसकी नई जिंदगी प्रारंभ होगी। केतु इसका खराब है, तो केतु को पूजा पाठ के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, हवन अनुष्ठान के माध्यम से काफी कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, 50% लाभ दिया जा सकता है। केतु की दशा में पिता का सुख नहीं मिलेगा, यानी केतु की जब भी दशा अंतर दशा या पत्यंतर दशा आएगी तब पिता की मृत्यु होने की संभावना ज्यादा बनती है, या पिता से दूर होने की संभावना ज्यादा बनती है। केतु व चंद्रमा की दशा अंतर दशा में इस बच्ची को या बच्चे को, जो भी बालक या बालिका इस समय पैदा हुआ है, 20/10/2020 को शाम को 4:30 बजे के आसपास दिल्ली के शहर के आसपास पैदा हुआ है, तो उसको खुद को बच्चे को
खिलाई पिलाई होने की संभावना बहुत ज्यादा है, उस बच्चे के ऊपर भी तंत्र बाधा होने की संभावना बहुत ज्यादा है और विष बाधा भी की संभावना, यानी कोई ना कोई उसके परिवार का ही सदस्य उसको अपने वश में करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर करवाएगा। नजर दोष होने की संभावना है या फिर ऊपरी बाधा लगने की भी संभावना है, यानी यह भी हो सकता है कि माता की मृत्यु हो जाए या पिता की मृत्यु होगी तो माता पिता दोनों की आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके उसके साथ में रह सकती है, यानी दोनों माता की भी अकाल मृत्यु होने की संभावना बनती है, पिता की भी अकाल मृत्यु होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से ये माता पिता दोनों की आत्मा उस बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर अटैक करने की संभावना ज्यादा बनती है, यानी इस बालक के ऊपर भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, विष दोष, ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। यानी कहने का अब मेरा अर्थ यहां पर यह है, नट शल में रिजल्ट यह है कि जिस भी बालक का जन्म 20/10/2020 को दिल्ली और दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में शाम को 4:30 बजे जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ हो उसको अपनी माता से तो दूर रहना ही रहना पड़ेगा और थोड़े दिनों के बाद में पिता से भी दूर होना पड़ेगा उसको, और तंत्र बाधा से भी उसको अपने आप को बचाना पड़ेगा, किसी न किसी घर में जाकर के उसे गोद लिया जाएगा, फिर वहां से उसकी नई जिंदगी प्रारंभ होगी, यानी जीवन में उसे संघर्ष देखना होगा और एक भयंकर मुसीबत उसके जीवन में अवश्य आएगी, जहां से भी वो बच के अवश्य निकलेगा, ऐसी इसकी जिंदगी है, यानी कष्टमय जिंदगी है, परेशान वाली जिंदगी है, परंतु फिर भी ईश्वर उसके लिए खाने की व्यवस्था अवश्य करेगा, मकान की व्यवस्था अलग करेगा, वाहन की व्यवस्था अवश्य करेगा, यानी जीवन में उसे मकान का सुख मिलेगा, मकान का सुख के साथ साथ वाहन का सुख भी मिलेगा, दूसरों की संपत्ति का सुख भी उसको प्राप्त होगा और फिर वो आगे जाने पर उसे समाज में मान सम्मान भी अवश्य प्राप्त होगा, परंतु बचपन उसका बहुत दुखदायी बचपन पे होगा यह मान करके चले। मैं पुनः कहूंगा, यदि आपके परिवार में, आपके सदस्यों में, आपकी गोत्र में, आपके मित्रगण में या आपकी पहचान वाला कोई भी ऐसे माता पिता जिनके यहाँ पर 20/10/2020 को शाम को 4:30 बजे दिल्ली और दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में जिसका भी जन्म हुआ हो, ऐसे बालक बालिका के बारे में यह भविष्य हमने बताया है, अपन उस बच्चे को कष्टों से बचा सकते हैं, उसके माता पिता को अकाल मृत्यु से भी बचाया जा सकता है, बशर्ते कि वह संपर्क कर ले और जैसा उनको धार्मिक शास्त्र सम्मत ज्ञान दिया जाए, पूजा पाठ करने का बोला जाए, यदि वो करते हैं, दान धर्म करते हैं, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख मिलता है, इसलिए कहते हैं कि दान देना चाहिए, परंतु जो बालक या बालिका इस दिन पैदा हुआ है उन माता पिता के पास में धन की भी कमी है, धन नहीं है उनके पास में, वो अपनी जमीन जायदाद बेच करके यदि अपनी जिंदगी बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, कैसे बचाना है वो हमने आपको बता दिया, महामृत्युंजय के अनुष्ठान उनको कराना होंगे, बीमारी दुखी से बचाना होगा, तंत्र बाधा, विशेष तौर से तंत्र बाधा से बच्चे को भी बचाना है और खुद को भी बचना है, तो तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा से बचाना है, खिलाई पिलाई से बचना है, इसके लिए हनुमान जी का अनुष्ठान विधि विधान से उनको करना सिखाए देंगे, फ्री ऑफ कास्ट, परोपकार के पर्पज से यदि किसी की जिंदगी बचती हो तो इससे बड़ा और कोई उपकार या परोपकार नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब, यदि कोई ऐसा व्यक्ति परेशान हाल है, कोई बालक है, तो आप उनसे मेरी बात अवश्य करा सकते हैं, संपर्क करा सकते हैं, उसकी आर्थिक मदद भी की जा सकती है, पूजा पाठ में भी मदद की जा सकती है और एक छत्र छाया हम प्रदान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप भी अपने बच्चे की या बच्ची की किसी की पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि कोई भी शास्त्री, यदि कोई भी ज्योतिषाचार्य या फिर यदि कोई ज्ञानी पुरुष इस संबंध में हमसे यदि कोई परीक्षा करना चाहता है, तर्क वितर्क कुतर्क करना चाहता है तो हमसे संपर्क भी कर सकता है, हम चैलेंज के साथ में उनसे बात करने को तैयार हैं, मिल करके बहस करने को तैयार हैं, ताकि
उनके भी रास्ते खुलें और उनके भी दिमाग खुलें। हो सकता है उनको इस चीज का ज्ञान न हो, तो उनको हम ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं, निशुल्क ज्ञान दिया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, उस परिवार की, उस बच्चे की, उस बच्चे की जिसका भी 20/10/2020 की शाम को 4:30 बजे पैदा हुआ है, लड़का हो या लड़की हो, दिल्ली के आसपास पैदा हुआ है, हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से कि वह उन्हें इस संकट की घड़ी से उबारने का प्रयास करें। जय माँ, जय हो। ओम परमात्मने नमो नमः।